नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं आप अपने फेसबुक अकाउंट में ईमेल आईडी को कैसे ऐड करेंगे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके सिखाने वाला हूं कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट में ईमेल आईडी को ऐड करेंगे, यानी ईमेल आईडी को कैसे लिंक करेंगे। आपको कंप्लीट प्रोसेस करके बताने वाला हूँ, बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर आप अपने फेसबुक अकाउंट में ईमेल आईडी को लिंक करना यानी ऐड करना सीख जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे। अगर आपका अपडेट नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद क्या करना, सिंपली आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन को यहां पर आप ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहां पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। यहां पर आप ईमेल आईडी को ऐड करने के लिए, ईमेल आईडी को लिंक करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको यहां पे ऊपर साइड देखने को मिलेगा थ्री लाइन, बस क्या करेंगे इस थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना, यहां पे आपको ऊपर साइड देखने को मिलेगा सेटिंग का लोगो, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस सेटिंग्स लोगो पे यहां पर इस जगह क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहां पे आपको नीचे देखने को मिलेगा अकाउंट, उसी के नीचे आपको यहां पर देखने को मिलेगा पर्सनल एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन, बस क्या करेंगे पर्सनल एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। यहां पे अपना ईमेल आईडी को ऐड करने के लिए या अपना मोबाइल नंबर को ऐड करने के लिए आपको यहां पर नीचे में देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट इन्फो, बस क्या करना आपको इस कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फो में क्लिक करने के बाद यहां पर आपका आप जो फेसबुक अकाउंट बनाए होंगे, अगर आप ईमेल आईडी से बनाए होंगे तो यहां पर आपका ईमेल आईडी शो करेगा, अगर आप अपना मोबाइल नंबर से बनाए होंगे तो यहां पर आपका मोबाइल नंबर आपको ऊपर में शो करेगा। तो यहां पे आपको दो ऑप्शंस देखने मिलेगा, ऐड फोन नंबर, ऐड ईमेल एड्रेस, यानी आप अगर अपना ऐड फोन नंबर ऐड करना चाहते हैं फेसबुक अकाउंट में तो यहां पे ऐड फोन नंबर पर क्लिक करेंगे, अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट में ईमेल आईडी को ऐड करना चाहते हैं तो यहां पे आप नीचे देखने मिलेगा ऐड ईमेल एड्रेस। तो यहां पे मैं आपको ईमेल एड्रेस ऐड करके दिखाने वाला हूं, यानी ईमेल आईडी को ऐड करके दिखाने वाला हूं। तो क्या करेंगे, सिंपली आपको ऐड ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहां पे अपना ईमेल एड्रेस को ऐड करने के लिए गाइस क्या करना, आपको यहां पर ऊपर देखने को मिलेगा ऐड एन एडिशनल ईमेल एड्रेस, यानी आप जो भी ईमेल एड्रेस को ऐड करना चाहते हैं सिंपली आपको इस बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस यानी आपको ईमेल आईडी आपको इस बॉक्स में टाइप करना होगा। तो चलिए यहां पर मैं अपना ईमेल एड्रेस को यहां पर टाइप करता हूं। यहां पर अपना ईमेल एड्रेस को फुल टाइप करना, यानी आपका जो भी ईमेल आईडी होगा यहां पर फुल स्मॉल में आपको टाइप करना है। देन उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा, यहां पे क्या करना, आपको इस बॉक्स में अपना फेसबुक पासवर्ड डालना है, आपका अकाउंट का जो भी फेसबुक पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को आपको इस बॉक्स पे टाइप करना है। यहां पे टाइप करने के बाद यहां पे अपना ईमेल एड्रेस और यहां पे अपना पासवर्ड टाइप करने के बाद सिंपली क्या करना, यहां पर आपको देखने मिलेगा नीचे में एड ईमेल एड्रेस, बस क्या करेंगे आपको एड ईमेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां पे आपको ऊपर देखने मिलेगा आपका ईमेल एड्रेस, यहां पे देख सकते हैं जो कि मेरा ईमेल आईडी यहां पे ऊपर देखने मिलेगा, और यहां पे आपको देखने मिलेगा इज पेंडिंग, यानी आपका जो ये ईमेल एड्रेस है यहां पर सक्सेसफुली अभी ऐड नहीं हुआ है, सक्सेसफुली यहां पर लिंक नहीं हुआ है। तो वो लिंक करने के लिए क्या करना, आपको यहां पर ऊपर देखने मिलेगा ब्लू कलर का कन्फर्म, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस कन्फर्म में क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्म में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहां पर आपको एक बॉक्स देखने मिलेगा इंटर कंफर्मेशन कोड, यानी आपने जो भी ईमेल एड्रेस यहां पे टाइप किए, ईमेल आईडी दिए हैं, उस ईमेल आईडी में आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को आपको इस बॉक्स में यहां पर टाइप करना है। तो चलिए यहां पे मैं अपना ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले इस ईमेल आईडी में मेरा यहां पे कोड आया होगा, तो गाइस यहां पे देख सकते हैं जो कि मुझे अभी एक कोड आया है, यहां पे 9:27 हो रहा है। यहां पे मैं इस ईमेल को ओपन करता हूं। जैसे मेल को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद गाइस यहां पे देख सकते हैं जो कि मुझे एक कंफर्मेशन कोड मिला है। देखेंगे यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा कंफर्मेशन कोड, यहां पे आपको 5 डिजिट का हो सकता है, 6 डिजिट का हो सकता है, तो मुझे यहां पे 5 डिजिट का कोड मिला, इस कोड को आपको वहां पर फिलअप करना है। तो चलिए यहां पे मैं अपना कोड को फिलअप करता हूं। यहां पे क्या करेंगे, जो भी आपको कोड मिलेगा उस कोड को आपको इस बॉक्स में सही सही फिलअप करेंगे, जो भी कोड मिलेगा सही सही फिलअप करेंगे। देन उसके बाद क्या करना, आपको यहां पर ब्लू कलर का देखने मिलेगा कंफर्म, बस क्या करेंगे आपको इस कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कंफर्म बटन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे क्या होगा, आपका सक्सेसफुली आपका ईमेल आईडी यहां पर ऐड हो जाएगा। तो
यहाँ पे मैं आपको सिंपली बैक आके दिखा रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म यानी कोड यहाँ पे डाल के कंफर्म में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे फेसबुक अकाउंट में आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बैक आके दिखा रहा हूँ कि मेरा फेसबुक अकाउंट में ईमेल आईडी ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पे मैं पूरा बैक आ जाता हूँ। पूरा बैक आने बाद गाइस क्या करना, आपको पूरा बैक आ जाना पूरी तरह से। तो चलिए यहाँ पे पूरी तरह से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने बाद क्या करेंगे, फिर से अपना सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में जाने बाद गाइस क्या करेंगे, सिंपली आपको फिर से पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद फिर से क्या करना, आपको कॉन्टैक्ट इन्फो में क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फो में क्लिक करने बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरा दो दो ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड हो चुका है। पहले क्या था, मेरा एक ईमेल आईडी ऐड था, लेकिन अभी जो है मेरा यहाँ पे दो ईमेल आईडी यहाँ पे मेरा ऐड हो चुका है। तो गाइस इस तरह से बड़ी आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट में अपने ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।